बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, तारीख़ आलम में जहाँ जंग व जदल, नफ़रत व बगावत और कत्लों के किस्से मिलते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे सबक आमोज़ दस्तानें भी मौजूद हैं जिन्हें सुनकर दिल तड़प उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। नाज़रीन, आपने लैला मजनून के किस्से के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये अरबी की वो मशहूर व मारूफ दस्तान है जो मोहब्बत की अलामत भी समझी जाती है और वफा और इश्क के हकीकी से मुंसलिक भी है। नाज़रीन, अब तक हज़ारों मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा जा चुका है। कई किताबों में यह दास्तान रकम है और कई लोगों ने इस दास्तान को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। हुसन हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, हुसन हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये शोहर आपात गीत भी लैला मजनू के किस्से की अक्कासी करता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि फ्रांस के एक म्यूजियम में आज भी लैला मजनू की हकीकी तस्वीर मौजूद है। नाज़रीन, इस दास्तान के किरदारों की तारीखी हैसियत क्या है? क्या लैला मजनून दो हकीकी आशिक थे या ये महज एक फर्जी दास्तान है? इस लाजवाब मोहब्बत का आगाज़ कब हुआ और ये केस अंजाम से दोचार हुई, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इतनी शदीद मोहब्बत के बावजूद लैला ने मजनून के होते हुए किसी और से शादी क्यों की। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो इटनुमा सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलते रहेंगे। नाज़रीन, अलअज़हर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम अलमिसरी अपनी किताब लैला मजनून में लिखते हैं कि लैला मजनून की शदीद इश्क व मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं, बल्कि ये पहली सदी का सच्चा वाकया है जो अरब के शहर नजद के इलाके में रोनुमा हुआ और लाजवाल बन गया। वो लिखते हैं कि मजनून एक मलदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वो एक खूबसूरत खुशगुफ्तार नौजवान था। नाज़रीन, मजनून का असल नाम कैस इब्न मलून इब्न मज़ाहिम था और अरब में आज भी कैस नाम रखा जाता है। अरबी ज़ुबान में मजनून लुग़वी तौर पर पागल और दीवाने को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिन्त मेहदी इब्न साद था। अरबी व इब्रानी में लैला रात के लिए बोला जाता है। लैला चूंकि अरबी में रात को कहते हैं तो महक़िक़ीन ने इसका मतलब सावनली रंगत भी लिखा है। नाज़रीन, कई मुसन्निफ़ीन ने अपने किस्से में लैला को सावनली सूरत वाली बनाकर पेश किया है और ये बात मशहूर है कि लैला काली यानी सियाह रंगत वाली थी, मगर लैला को अरबी नस्ल बयान किया जाता है और इस तरह लैला का काला होना अजीब बात है, लेकिन ये बात मशहूर है जो किताबों में लिखी हुई है। नाज़रीन, निज़ामी गंजवी की किताब लैला मजनून के मुताबिक लैला मजनून बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। उनमें बहमी उल्फत पैदा हुई। मजनून की तवज्जो तलीम के बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से उसे सजा मिलती, मगर उस्ताद की चिड़ी मजनून के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। लैला को मजनून का नाम लिखना और मजनून को लैला का नाम लिखना पसंद था। उस्ताद ने यह बात लैला और मजनून के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। इसी तरह वक़्त गुजरता गया और एक दिन फिर मजनून की नज़र लैला पर पड़ गई और यूं बचपन का इश्क दोबारा ताज़ा हुआ और मजनून एक बार फिर से बेचैन रहने लगा। नाज़रीन, मशहूर ज़रबुल मिसल है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती, लिहाजा मजनून के वालिदैन को भी अपने बेटे के लैला से इश्क के बारे में इलम हो गया। उन्होंने पहले तो केस यानी मजनून को समझाने की कोशिश की, मगर इन पर असर न हुआ। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अब इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि केस यानी मजनून और लैला की शादी करा दी जाए। लिहाजा केस के वालिदैन अपने ख़ानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा न हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार किया। उस दौरान कबीला साकिब के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम वर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने वो रिश्ता कबूल कर लिया। मजनून इस कदर मुस्तरिब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले के किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब मजनून लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल जा चुका था कि वापसी मुमकिन ही न थी। रफ्ता रफ्ता मजनून की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने दन बदन का होश न रहा। लोगों ने मजनून के बाप को मशवरा दिया कि वो इसे मक्का मुकरमा ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। मजनून का बाप अलमलू से लेकर मक्का मुकरमा गया और हरम शरीफ में उसे कहा कि गिलाफ काबा से चिमट कर लैला और उसकी मोहब्बत की निजात की दुआ मांगे। मगर इसके जवाब में जब मजनून ने यह दुआ मांगी, कहा कि ए परवरदिगार, मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अलमलू ने मजनून को वापस लाया।
नाजरीन कहा जाता है कि रास्ते में मजनून ने एक जगह पहाड़ी पर अपने आप को गिराने की भी कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़ लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर मजनून का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास गया ताकि वो लैला के बाप को मजनून के शादी के लिए राजी करे, मगर इस बार फिर लैला के बाप ने इनकार किया। लैला की शादी उस दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पैगाम आया था। लैला खुद भी कैस यानी मजनून की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर ख़ानदान की नेकनामी और वालिदैन की इताअत से मजबूर थी। नाजरीन, मजनून को जब मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई तो उस पर कियामत टूट पड़ी और उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वह अपने वजूद को भूल गया, गुशनशीन हो गया और फिर एक दिन सहरा में निकल गया। लैला को आवाज़ें देता, पहाड़ों, दरख्तों और जंगली जानवर से पूछता कि मेरी लैला कहाँ है। नाजरीन, उसी हालत में एक दिन उसकी नज़र एक हिरनी पर पड़ी। जब हिरन को देखा तो उसको लैला की याद आ गई और गिर पड़ा। उसकी घरवाली सहरा में उसे ढूंढते रहे। चौथे दिन उन्हें एक पथरीली वादी में रेत पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। नाजरीन, रवायात के मुताबिक लैला भी शायरा थी और यही चीज़ है कि जिसने इस मोहब्बत बर्रे किस्से को अलमिया बना दिया, जिसके लिए दिल और आंखें रोते हैं, क्योंकि कैस यानी मजनून ने पाकीज़ा मोहब्बत की और लैला को दागे बदनामी तक न लगने दी। नाजरीन, ये भी मुमकिन था कि यह मोहब्बत शादी के जरिए उन दोनों को इकट्ठा कर देते और खुश व बरी ज़िंदगी उन्हें हासिल होती, मगर तकदीर के आगे तदबीर का कहाँ बस चलता है। नाजरीन, रवायात में आता है कि मजनून लैला के इश्क में गर्क होकर एक नमाजी के सामने से गुजरा तो नमाजी ने नमाज मुकम्मल करने के बाद मजनून को पकड़ा और कहा कि आप अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आता कि मैं नमाज पढ़ रहा था और आप सामने से गुजर गए। तो मजनून के मुँह से अजीब अल्फाज निकले जिससे वह नमाजी हैरान हो गया। मजनून ने कहा कि मैं एक इंसान यानी लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और वो मोहब्बत इतनी गालिब है कि मुझे ये पता न चल सका कि मैं किसी के सामने से गुजर रहा हूँ, और आप लैला को पैदा करने वाले यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के मोहब्बत में नमाज पढ़ रहे थे और आपको सामने से आने और जाने वालों का पता चल सका। नाजरीन, इंसानी इश्क का ये किस्सा इश्क इलाही तक पहुँचाने का जरिया बन गया। अमीर खुसरो ने इस किस्से को सन 1299 ईस्वी में किताबी शक्ल दी और जामी ने सन 1484 ईस्वी में लैला मजनून पर 3807 सफ़ों पर मुश्तमिल किताब लिखी और अलामा सादी शेराजी जैसे बड़े पारसी शायर ने इस किस्से को सन 1520 ईस्वी में लिखा। मौजूदा नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इन्फो एट नुमान को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो एट नुमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।